हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिवरेज का, वन ऑफ द टाइप फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में। ओके, इससे पहले हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लिवरेज का क्या मीनिंग होता है, और उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज को पर्टिकुलरली हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल लिवरेज को। तो अगर आप लोगों ने ऑपरेटिंग लिवरेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, उससे आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी ओके ऑपरेटिंग लिवरेज की। तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज पे बात करूँ, जो हम फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लाइक डिबेंचर्स, जिस पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपको प्रेफरेंस शेयर्स पे देना पड़ता है फिक्स्ड रेट से, तो जब आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सोर्स ऑफ फाइनेंसेस को यूज़ करते हैं तो इसे हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज कहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं, देखो, फाइनेंशियल लिवरेज टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया। और मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो फाइनेंशियल लिवरेज है दैट शोज़ द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या दिखाता है, कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBIT है, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसका किस पे, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग्स है उस पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो हमें फाइनेंशियल लिवरेज बताता है। ओके, देखो, अगर हम बात करें, अ फर्म यूजेस टू कैटेगरीज ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी में वो आते हैं जिस पे फर्म को फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी ही पड़ती है, लाइक डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स ये तो फर्म को पे करना ही पड़ेगा बिफोर एनीथिंग कुड बी पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये चीज़ें हमें देनी ही पड़ती है। इंटरेस्ट ऑन डेट हैज़ टू बी पेड रिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ EBIT, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का चाहे कितना भी लेवल हो, चाहे वो कम भी है, तो भी हमें इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है, ठीक है। और जो हम सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की, उसमें क्या आएगा, वो सोर्सेज ऑन विच द फर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न लाइक इक्विटी शेयर्स। ओके, सो द सेकेंड कैटेगरी ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इंक्लूड्स दो सोर्सेज ऑन विच द फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स फंड्स प्रोवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए तो रेजिडुअल जो प्रॉफिट बच जाता है फिर उनको डिविडेंड वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो जब हम यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स इन द कैपिटल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद इक्विटी इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ध्यान रखना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लिवरेज का क्या मीनिंग है, कि जब हम इक्विटी के साथ अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज़ करते हैं ताकि हम इक्विटी वालों के लिए बेनिफिट और बढ़ा सकें, तो इसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ओके, अब बात आती है कि हम क्यों फाइनेंशियल लिवरेज यूज़ करें, हम क्यों फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स यूज़ करें, ठीक है। तो इसका जो बेसिक पर्पस है, द बेसिक पर्पस ऑफ यूजिंग फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स है उसको यूज़ करने का मेन मोटिव है टू मैग्नीफाई द रिटर्न फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो रिटर्न है उसको बढ़ाना। और ये कब बढ़ता है, दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय द फर्म ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ समझना। देखो, हम बात कर रहे हैं कि हम फाइनेंशियल मतलब डेट वगैरह यूज़ करेंगे, और ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न को हम लोग मैग्नीफाई कर पाएँ। बट ये तभी पॉसिबल है जब आप जो रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रहे हैं अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट पे जो आपके पास है उस पे, तो आपकी वो चीज़ जो है, जितना भी आपने डिबेंचर्स जो भी आपकी एसेट्स हैं उस पे जो आपका रेट ऑफ रिटर्न वो ज़्यादा है जितना आपने इंटरेस्ट वगैरह पे करना है, जितने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट वगैरह, इससे अगर आप ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रहे हैं तभी ऐसा हो पाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो क्या दिखाता है, इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन अर्निंग पर शेयर। EBIT में चेंजेस आने से, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंजेस आने से अर्निंग पर शेयर पे हमारा क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और आप लोगों को याद होगा मैंने ऑपरेटिंग लिवरेज में बात की थी फिक्स्ड कॉस्ट की, जो आपकी जो फिक्स्ड असेट्स की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट जनरेट होती हैं,
उसमें हमने देखा था परसेंटेज चेंज इन सेल्स की वजह से परसेंटेज मतलब ईबीआईटी में कितना चेंज आता है, वो हमने ऑपरेटिंग लेवरेज में पढ़ा था। फाइनेंशियल लेवरेज में हम क्या पढ़ रहे हैं कि ईबीआईटी में चेंज आने से अर्निंग पर शेयर पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। अब देखो होता क्या है, ड्यू टू द वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज द परसेंटेज चेंज इन अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में चेंज आएगा उससे कहीं ज़्यादा चेंज आने वाला है ईपीएस में। किसकी वजह से? फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से। सो द फाइनेंशियल लिवरेज मैग्नीफाइज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑन अर्निंग पर शेयर। ठीक है, अब देखो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखनी है, इफ़ अ फर्म यूजेस ऑल इक्विटी फंड्स एंड नो डेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी कि एक फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में सभी हर चीज़ मतलब कैपिटल उसमें इक्विटी यूज़ कर रही है, नो यूज़ ऑफ डेट, नो यूज़ ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो होगा क्या? जो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस है विल बी इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तब वो इक्वल टू 1 आएगा। यानी कि अब आप ये देखो, अगर ना डेट एलिमेंट है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में, ना आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स यूज़ कर रहे हैं, प्रेफरेंस कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विल बी इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज अ स्मॉल इंक्रीज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल रिजल्ट इन टू लार्ज इंक्रीज इन द अर्निंग पर शेयर। अब फाइनेंशियल लिवरेज की वजह से अगर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा भी चेंज आया है तो इसकी वजह से हमारे अर्निंग पर शेयर में काफ़ी ज़्यादा चेंज आएगा, और वाइस वर्सा। इसका मतलब अगर डिक्रीज़ हो रहा है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमारा अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये दोनों डायरेक्शंस में काम करता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, बट अगर आप डेट और प्रेफरेंस शेयर्स यूज़ ही नहीं कर रहे हो तो वो इक्वल टू 1 आने वाला है आपका क्या चीज़, फाइनेंशियल लिवरेज। क्यों? क्योंकि आपका जो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस परसेंटेज चेंज इन ईपीएस होगा वो विल बी इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, अभी आप जब फॉर्मूला पढ़ेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है शुड बी ग्रेटर देन 1। जैसे हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में पढ़ा था कि 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, ऑपरेटिंग लिवरेज की डिग्री जो है वो 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। इन द सेम वे फाइनेंशियल लिवरेज की डिग्री भी 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देखो हायर द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस यानी कि जो इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस डिविडेंड, अगर ये ज़्यादा हैं तो हमारे फाइनेंशियल लिवरेज की डिग्री भी ज़्यादा होगी। तो इससे जो मैग्नीफाइंग इफेक्ट है चेंजेस इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनकम का अर्निंग पर शेयर पे वो भी ज़्यादा होगा। बट एक इसकी नेगेटिव चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जितना ज़्यादा फाइनेंशियल लिवरेज यूज़ कर रहे हो फाइनेंशियल रिस्क भी उतना होगा। अब बात आती है कि फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। सो फाइनेंशियल रिस्क इज़ द इनएबिलिटी ऑफ द फर्म टू रिकवर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस आउट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि इतना भी आप वो यूज़ मत कीजिए यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज कि आपका फाइनेंशियल रिस्क जनरेट हो रहा है जिसकी वजह से आपके जो आप फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस है अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के आउट ऑफ रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें फाइनेंशियल लिवरेज की, क्रक्स में, कैन बी डिफाइंड एज द यूज़ ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन ईबीआईटी ऑन अर्निंग पर शेयर। जो सबसे मेन चीज़ आपने ध्यान रखनी है फाइनेंशियल लिवरेज में, आपका किसका देखो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे ईपीएस, किस पे डिपेंड कर रहा है वो ईबीआईटी पे, ईबीआईटी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ध्यान रखना, पहले हम ईबीआईटी निकालते हैं, ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट लेस करते हैं तभी तो आपके पास ईबीटी आता है यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, तो फाइनेंशियल लिवरेज हमारा ये दिखाता है कि हम फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को यूज़ कर रहे हैं टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ किस में चेंजेस आने का, ईबीआईटी, किस पे, ऑन अर्निंग पर शेयर। ठीक है, देखो जो हमारा फाइनेंशियल लिवरेज है वो हमारे लिए फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल तभी होगा जब हमारे रेट ऑफ रिटर्न जो हम एसेट्स पे अर्न करते हैं वो ज़्यादा है किससे, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ फंड से, ऑब्वियस है इंटरेस्ट वगैरह से ज़्यादा है तो ही हमारा फेवरेबल होगा। और अनफेवरेबल हो जाएगा अगर फिक्स्ड कॉस्ट जो है हमारे जैसे इंटरेस्ट वगैरह जो हैं, डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड वगैरह, ये चीज़ें ज़्यादा हैं हमारे, किससे, हम उतना रेट ऑफ रिटर्न अर्न नहीं कर रहे हैं बट फिक्स्ड कॉस्ट फंड्स ज़्यादा हैं, तो हमारा ये फाइनेंशियल लिवरेज अनफेवरेबल हो जाएगा। सो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज जो है वो कॉज करता है मोर परसेंटेज डिक्रीज इन ईपीएस देन द परसेंटेज डिक्रीज इन
ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा तो ईपीएस बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और वो भी बहुत कम हो जाएगा. सो एवरी फर्म शुड हैव अ रीजनेबल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. एक हद तक ही आप डेट एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं. आपको एक ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और जो कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं वो मैंने वीडियोज़ डाली हुई हैं, वो भी आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. ओके, अब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला. जैसे कि मैंने आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का बताया, वैसे ही आपको फाइनेंशियल लिवरेज का भी पता होना चाहिए. फाइनेंशियल लिवरेज अगर सिंपल आप निकाला है तो EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय EBT, यानी कि अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी कि जब आप EBIT में से इंटरेस्ट लेस कर देते हैं देन यू गेट EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स. तो फाइनेंशियल लिवरेज सिंपल ऐसे, और अगर डिग्री निकालनी है तो परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, यानी कि इसके EBIT में चेंज आने से EPS पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है, और ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT शुड बी ग्रेटर देन 1 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाऊंगी ताकि आपको इसकी अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो जाए. देखो, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में 20,000 इक्विटी शेयर्स है ₹10 ईच, तो ₹2 लाख हो गया. 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स है 100 ईच के, 4 लाख के हो गए. 4,000 10% डिबेंचर्स है 100 ईच के, 4 लाख के हो गए. अब आपको EPS निकालना है, अर्निंग पर शेयर निकालना है यहाँ पे आपको, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ EBIT. EBIT आपको यहाँ पे 3 लेवल्स दिए गए हैं, 2 लाख, 120, 280, और कंपनी कौन से टैक्स ब्रैकेट में है, 50% वाली. कैलकुलेट द फाइनेंशियल लिवरेज टेकिंग EBIT ऑफ 2 लाख एज बेस, यानी कि ये वाला जो फर्स्ट वाला है इसको आपने बेस लेके चलना है, और इसका इम्पे क्या इम्पैक्ट पड़ा सेकेंड और थर्ड वाले पे वो हम देखेंगे, ठीक है. तो अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट वाले केस पे जैसा कि आप देख सकते हो आपके पास EBIT कितना था यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट वाले केस पे, 2 लाख, ठीक है. 2 लाख हो गया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. आपने अभी क्वेश्चन में पढ़ा 4 लाख डिबेंचर्स, 4 लाख रुपीस के डिबेंचर्स है, 10% उन पे इंटरेस्ट, 40,000. तो EBIT में से जब आप इंटरेस्ट लेस करते हैं देन यू गेट EBT, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स. तो 160 आ गया. अब हम 50% टैक्स ब्रैकेट में है तो इनकम टैक्स लेस करेंगे 50%. 1,60,000 का 50% कितना आ जाएगा, 80,000. आपने 80,000 लेस किया तो आपके पास PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 80,000. अब उसमें से आप क्या लेस करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड आपको वही 4 लाख का रुपीज़ है, 10% है उस पे रेट, तो 40,000 ये लेस कर दिया. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, देखिए, 4,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, 4 लाख के हो गए ना, उसका 10% आपने किया यहाँ पे, तो ये आपका 40,000. अब ये जो अर्निंग्स अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, दैट इज 40,000. अब हमने EPS कैसे निकलेगा, अर्निंग अवेलेबल है 40,000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आपके पास कितने हैं, देखें, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 20,000. तो अब देखिए, जब आपने 40,000 को देखो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किया, दैट इज 20,000 से आपने डिवाइड किया है, अर्निंग्स अवेलेबल कितनी है 40,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो कि 20,000 है, तो आपके पास 2 आ गया. तो ये आपका ₹2 EPS आ गया, किस केस में, फर्स्ट केस में, यानी कि जो बेस माना है जिसको हमने. अब सेकंड केस में हमारे पास क्या है, देखो आपके पास EBIT कितना है, 1,20,000 है. अब आपके पास ये 1,20,000 है तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए 1,20,000 है आपके पास. तो अब हम लेके चलते हैं सेकंड वाला केस. तो 1,20,000 है, वही लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आपको बताया है, फिर उसमें से इनकम टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आपके पास अर्निंग कुछ बची ही नहीं इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, तो 0. नेक्स्ट केस में आप देखेंगे कि हमारे पास जो है EBIT है 2,80,000, ठीक है. तो 2,80,000 के केस में, 2,80,000 जब हमारे पास EBIT है तो इंटरेस्ट तो वही है 40,000 डिबेंचर्स पे जो आपको मैंने फर्स्ट केस पे अच्छे से बताया, फिर इनकम टैक्स आपका 50% लेस करोगे, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, तो 80,000. अब अर्निंग पर शेयर कितना आएगा, देखो अर्निंग अवेलेबल है 80,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000, तो ₹4, तो ये आपका 4 रुपीज़ आ गया. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एक तो आपने EPS निकालना है, ठीक है, EPS तो हमने निकाल लिया, अब आपको फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है और ये फर्स्ट वाले को बेस मानना है, ठीक है. तो अब कैसे निकालेंगे,
देखो परसेंटेज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकलता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट और सेकंड केस में, देखो फर्स्ट वाले में आपका क्या हुआ, फर्स्ट जो आपका सेकंड वाला केस था उसमें ईबीआईटी जो है आपका 40% कम हो गया था, क्योंकि पहले वाले केस में वो 2 लाख था जैसे मैंने आपको फर्स्ट केस में बताया, सेकंड वाले केस में हमारा ईबीआईटी क्वेश्चन में 120 हो गया, तो 80,000 कम हो गया ना, तो 2 लाख का 40% होता है 80,000, तो कितना कम हो गया 40%, लेकिन वो नेगेटिव में कम हुआ, डिक्रीज हुआ, तो एक बार हमने ये कर दिया। और आपका जो है ईपीएस वो डिक्रीज हो गया है, कैसे, पहले 2 था अर्निंग पर शेयर, फिर 0 हो गया, 0 तभी हुआ ना जब 2 का 2 पूरा ही कम हो गया, यानी कि 100%, तो यहाँ पे 100% कम हो गया, तो 2.5 यहाँ नेगेटिव इसलिए हमने जनरली यूज़ किया है क्योंकि डिक्रीज हुआ है, तो इसको ये तो कट ऑफ ही हो जाने वाला है, तो हमारी डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी 2.5 है, क्योंकि मैंने बताया था नेगेटिव इम्पैक्ट भी अगर मान लो डिक्रीज हो रहा है ना ईबीआईटी, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारा अर्निंग पर शेयर। अब अगर हम बात करें फर्स्ट और थर्ड वाले केस की, क्योंकि फर्स्ट वाले केस को हमने क्या माना है, बेस, जब 2 लाख हमारा ईबीआईटी था हमने उसको बेस माना था, आपको जैसा कि मैंने क्वेश्चन में ये देखिए बताया गया है, कैलकुलेट द फाइनेंशियल लिवरेज टेकिंग ईबीआईटी ऑफ 2 लाख एज अ बेस, ये वाले को हमने बेस माना था। अब हमने फर्स्ट और थर्ड का कंपेरिजन करना है, अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए 2 लाख से हमारा जो है 2 लाख था फर्स्ट वाले केस पे, थर्ड वाले केस पे 280 हो गया ईबीआईटी, बड़ा ना, कितना बड़ा, 80,000 बड़ा, तो 40% बढ़ गया, तो परसेंटेज चेंज 40 आ गया, ठीक है, प्लस का। अब ईपीएस क्या हो गया, ईपीएस था पहले 2 रुपीज़ था, फिर ₹4 हो गया, ये तो 100% बढ़ गया, 2 का 2 बढ़ गया ना, 2+2 4, तो 100% बढ़ गया, तो यहाँ पे 100 आ गया, तो 100/40 2.5, तो हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या हो गया 2.5। तो ध्यान रखना इंक्रीज़ हो रहा है ईबीआईटी तो हमारा इंक्रीज़ होगा ईपीएस, ठीक है, और डिक्रीज़ हो रहा है तो डिक्रीज़ ही होगा, और ये क्या है, फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों चीज़ें ला सकता है। तो मैंने ये आपको डिटेल में करवाया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग कीप शेयरिंग।